और सबसे खास हमारे साथ अनस्तस्या, हमारे हेडमास्टर, जिन्होंने हमारा स्कूल टाइम इतना बेहतरीन बनाया है और बहुत खुश मिजाज से हम लोग को केयर किया है, पढ़ाया है, गाइडेंस दिया है। थैंक यू फॉर गाइडिंग अस एंड वी लव यू सो मच। वेलकम। आई टू लव माय बिलोवेड सन्स एंड বল টিকে মিসবিহেভ করছিল না করেছিল যে মিসবিহেভ টিক তো সিস্টার্স সে কুছ কুছ পুরানি আর নই বাতে করকে বহুত আচ্ছা লাগ রহা হ্যা আর অভি করতে যা রহে হ্যা সিস্টার ভি খানা উনা খা কে সব কুছ কমপ্লিট কর লিয়ে হ্যা আর অভি থোড়া রেস্ট কর রহে হ্যা আরাম সে বেঠ কে আর ইতনে দিনো বাদ কেসা লাগা আপকো বহুত খুশ और कुछ आपके पुराने बहुत पुराने पुराने स्टूडेंट्स के बारे क्या कहना चाहते हैं सब आपको कमेंट पर विश कर जो 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 इस स्कूल में पढ़ के गए हैं बच्चे सब बड़े छोटे जो भी जो आपको पहचानते हैं और सब कुछ खुश होते हैं मुलाकात होने से और बोलते हैं और वो लोग कौन याद आते हैं माँ का चुम्मा। अच्छा और क्या बोलना चाहेंगे आप जो मतलब आपको अभी टीचर्स डे विश करेंगे जो जो क्या करें जिंदगी अपने बताइए उनको कुछ किसका जिंदगी मेरी जिंदगी उनको जिंदगी मैं तो अभी रिटायर हो गई हूँ फिर भी जो मेरे को संदेश देना है बच्चों को अच्छा बच्चा बनना अच्छा पढ़ना अच्छा चरित्र बन होना और जीवन में सफलता प्राप्त करना अच्छा नौकरी करके बूढ़ी माँ को देखने आना ये सब मैं विश करती हूँ नहीं स्कूटी जा सिवा तो स्कूटी बाज नहीं लो जाओ छे सर नहीं टिके घरे तो सब बड़े थाऊ टिके स्कूल रे टिके टाइम स्पेंड करे टिके याद ताजा ही जाए स्टार्ट। तो ये है हमारा 6th-7th का स्कूल जिसमें हम लोग अपना 6th-7th कंप्लीट किए हैं और ये हमारी टीचर हेडमास्टर अनस्तस्या सिस्टर और यहीं पर हम लोग बैठ के खेला करते थे खाते थे पीते थे और ये है ऑफिस और यहीं पर सारे टीचर्स वगैरह हेडमास्टर्स वगैरह बैठे रहते थे और हम लोग को मारते थे इधर आइए घुमाइए पीछे 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 और ये है सेक्शन 7 का ए सेक्शन और अभी फिलहाल ताला लॉक है तो अभी बाहर से ही दिखाएंगे आपको कौन सा सेक्शन में यहीं पर बैठ के हम लोग खेला करते थे कितने मस्त से कौन से सेक्शन में थे वो भी तो बता दो और मैं तो बता पाता और ये है 7th B मेरा सेक्शन मेरे से बहुत कुछ दोस्त रहते थे मतलब यहीं पर पढ़ते थे और मैं था सेक्शन ए में और ये वही बेंचेस जिनमें कभी हमारा मुंह लगा है कभी हाथ लगा है कभी चाटे हैं हम उस बेंच को और कभी कभी घुटना भी लगा है और ये है 6th का ए सेक्शन देख के बता यहाँ तो पढ़ते थे नहीं कोई नहीं रहे यहाँ पर अनिश लोग पढ़ता था हाँ, मतलब हमारे जब 6th में थे तो हम लोग अनिश लोग इस वाले क्लास में ए में बैठता था सेक्शन बी और यही वो घंटा हमारे टाइम वाली घंटी ही है तभी से अब तक है इसको हम लोग ऐसे बजाते थे निकल के टाइम होने पर और ये मेरा 6th क्लास का सेक्शन बी
इधर से आप देख सकते हैं थोड़ा अंदर का नजारा। उधर बैठा करते थे हम लोग, और ये था सबसे लास्ट सेक्शन, सेक्शन 3। यहाँ पर बोलते थे भूत था, यहाँ के वॉल्स को छूने से करंट आता था। तो गाइस ये है सेक्शन 3, ये खुला था, पता नहीं बच्चे लोग टीचर्स डे के फंक्शन में क्या किए, यहाँ पर डांस वांस सीखे हैं या क्या, पर बहुत अच्छा है। और ये कैंटीन अब तक है, ये जब हम लोग थे तब भी था, तो ये जो पोर्ट्रेट है यह तभी भी था और अभी भी है, और ये भी था, ये भी था, और ये सारे जितने दिख रहे पेंटिंग सारे थे। और ये ब्लैक बोर्ड जहां पर टीचर हमें पढ़ाए करती थी ए बी सी डी क ख ग घ, बहुत कुछ पढ़ाया करते थे, बहुत कुछ पढ़ाया करते थे, एबीसीडी क ख ग घ बहुत कुछ, और इतना मजा आता था स्कूल लाइफ में तो पता ही होगा आपको कितना मजा आता है। ये सब को देख के बहुत कुछ याद आता था, यहाँ का फन, यहाँ पर नाचा करते थे हम लोग, फिर यहाँ पर मुर्गा बन के बैठा करते थे, बहुत कुछ। और उधर गार्डन हमारा बहुत अच्छा सा था, और ये है कैलेंडर भैया, कुछ कुछ फोटोस और दी है सर, और दरखास्त तो उन्होंने डाल दी। और यहाँ पर हमें को एप्लीकेशन से प्रैक्टिस करा के हर दिन यहाँ पर रखना होता था, जिससे हमारा प्रैक्टिस और एप्लीकेशन लिख सके हम लोग। तो बहुत मजा आता था यहाँ पर, यहाँ पर वो लम्हे, और पता नहीं यहाँ पर क्या है, तो मतलब यहाँ पर बहुत कुछ है खजाना, एग्जामों के क्वेश्चन पेपर। और यहाँ पर हम लोग ऐसे हमारे विरायको के ना बढ़ रहने पे देखेंगे नहीं पा रहे थे क्या है क्या नहीं, बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मेन बात हम ही छोटे। और ये तो नया बना है, ये पहले नहीं था, नया बना है। और इधर भी कुछ नया नया बन रहा है जो कि हमारे टाइम पे नहीं था, नया बिल्डिंग पर बहुत एक सुंदर सा गार्डन था। और उधर था टॉयलेट, जो टॉयलेट भी तोड़ चुके हैं, अभी कुछ नया बना रहे बिल्डिंग। और यहाँ के फ्लावर सब कुछ दिन पहले आते तो दिखा सकते तो बहुत अच्छा, पर टीचर्स डे के दिन ही आना अपना टाइम नहीं होता है गाइस, टीचर्स डे के दिन ही आना अपना मकसद था कभी कभी टीचर का दिन ही आना हम लोग का मकसद था, ताकि हम लोग टीचर सबको बहुत यादगार प्लेस है। बहुत कुछ मेमोरी जुड़ी है यहाँ हमारे डॉन बॉस्को स्कूल से। इधर आ जाइए, इधर आ जाइए, साइड हो, साइड हो, हमने हमारा डॉन बॉस्को स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल, अभी दीवार भी छू लेते हैं हम लोग, पहले नहीं छू पाते। शिवा 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 होगा किसी का नहीं, मिडे में रूटीन, मिडे में रूटीन भी। ये हमारा स्कूल,
ऊपरे का उड़ जाएगी बेका कुछ न और बहुत कुछ नया नया बना हुआ है अभी यहाँ पर खाना मिलता है पहले हम लोगों को उधर उस साइड मिलता था खाना यहाँ पर रखा हुआ है खाना वाना का सारा सामग्री सब चावल वावल बनाने वाला और उधर गैस देखो ये और अभी चलते हैं जिधर हम लोग को खाना मिलता है उधर दिखाने का उधर है छोटा सा गल सिस्टर अभी यहाँ पर एक सिस्टर रहती थी जो यहाँ पर एक सिस्टर रहती थी जो हम लोग को मेडिसिन वगैरह देती थी बुखार होने एक रात सर बुखार होने से या कुछ भी होने से हम लोग जाते थे यहाँ पर मेडिसिन वेडिसिन लेते थे और खाते थे और यहाँ पर खाना खाने से पहले थाली वाली धो लेते थे जो अभी ये बच्ची सब धो रही है और यहाँ ड्रम में पानी भी रखा हुआ है और ये एक कुआँ है यहाँ पर जहाँ पर हम लोग थारी वारी फेंक देते थे 5-5 रुपया मैं फेंक देता था बाकियों को पता नहीं उस टाइम 5 रुपया बहुत बड़ा कीमत था मोबाइल की और हम लोग को खाना मिलता था इधर स्टार्टिंग इधर मिलता था इधर रखा हुआ था खाना और खाना मिलता था इधर मिलता था यहाँ पर खाना गोल लाइन लगे हुए थे मतलब लंबा था फिर उसके बाद से कुछ दिन के बाद से वहाँ मिलता था फिर इधर मिलने लगा यहाँ पर लाइन लगाते थे हम लोग अभी गर्ल्स हॉस्टल हो चुका है और उधर सिस्टर सब रहते हैं के भाई जैसो कहते चिंदलग अब यहाँ आओके तो मैं भी चिन्ह तो यहाँ पे भाई को अपने रिश्तेदार तो नहीं बट जब पढ़ते थे यहाँ पे तो शायद पहचान गए हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर रखे खाना मिलता था हम लोगों को कहीं दाल कहीं चावल पापड़ और ये अभी तो गर्ल्स हॉस्टल हो चुका है पहले भी गर्ल्स हॉस्टल था पहले यहाँ चावल रहता था और जो सिस्टर रही वो बन जाता मतलब फालतू कराओ तो रही बिना चार धर चुप रानी बे यहाँ पर हम लोग कभी कभार आते थे मतलब जैसे एसएस कॉलेज का रैली वाली होता था तो हम लोग यहाँ पर चुपके से चढ़ के आ जाते थे उसके बाद यहाँ पर आने के बाद अबे यहाँ देखा चल चलते जा नहीं मैं जूम कर रहा था जा यहाँ पर आने के बाद यहाँ से रोड का नज़ारा देखते थे तो और ये इसको तो पता है और इधर से नजारा भी मिलता ऑन करना ऑन है पूरा सब कुछ है तेरा नजारा मिलता
ब्रह्मपुर स्कूल का अंदर का और छत के ऊपर भी चढ़ के हम लोग बहुत मस्तियाँ करते थे। चलनी पे ये तो जहाँ पारी फोटो हले ब्लॉग बना थे नहीं वहाँ से अट्ठी मार ले नहीं आ सकता फोटो निकल जावे स्क्रीनशॉट दे देवे। अरे आनिस को सेल्फी लेके देखा था इसने ए आनिस को कागा नाम एक रील बना रहे जबे इको बनाने को करवा तो वायरल ही हो गया लगभग गाना को सब जगह में तो आजकल सुनो नु गाना के सच में सच में भी और इधर हमारे दोस्त लोग पारोटी ठूसते हुए देख सकते पानी में भिंगा के खा रहे हैं दोस्तों। और यहाँ पर फ्लावर्स देख सकते हैं ब्यूटीफुल फ्लावर्स है। और हमारे शिवा भाई कुछ कहना चाहते हैं इतने दिनों के बाद आप यहाँ पे आए अपने पुराने स्कूल पे कुछ बोलना चाहते हैं आफ्टर 7 इयर्स जब फैमिली के साथ। और यहाँ पर हमारे शिवा के फैमिली मिल चुके हैं देख सकते हैं शिवा के फैमिली डर के भागते हुए। और ये हमारे बोर्ड दिख रहा है आपको देख सकते हैं 1958 में बना था ये 20-3-1958 बहुत बढ़िया। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत देख भी। और गाइस यहाँ हम लोग पहले झुक के जाते थे मतलब बिना झुके हुए जाते थे और पहले झुक के जाते हैं अभी उठ के जाते हैं पहले झुक के जाते थे मतलब बिना झुके पार हो जाते थे लेकिन अभी झुकना पड़ता है लग तो चला। हो गया बहुत सारा मस्ती कर लिए ब्लॉग को आज यहीं पर खत्म करते हैं ब्लॉग को आज यहीं पर एंड करते हैं और कभी आएंगे एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे पूरा सिनेमैटिक शॉट्स गनवर्स स्कूल का और अपलोड होगा इसी वीडियो पर मतलब हमारे ऋषभ पन्ना के चैनल पर तो अभी सिस्टर को बाय करके चलते हैं घर बहुत टाइम भी हो गया है तो अभी सिस्टर को बाय बोलते हैं और चलते हैं घर यहाँ पर आके बहुत पुराने यादें ताज़ा हो चुके हैं। और आशीष भाई बताइए थोड़ा अपना बहुत अच्छा लगा मेरे बेटे लोग आए बहुत खुश लगा और उनको विदाई लेने के लिए मेरे को ये लगता है दुख लगता है। अभी चलते हैं घर थोड़ा चल चल के 4 कदम बस 4 कदम चल दो ना टीचर के साथ बाय करने बोल दीजिएगा तब तो ना आएगा बोलना हाँ ठीक है बोलेंगे पता चल जाएगा जब सब तरफ बनाएगा यूट्यूब खोलेंगे तब सिस्टर को बाय बाय करते हैं और हम लोग चलते हैं सबके घर लेट हो चुका है बहुत मिल के भी मिल लिए हैं और लाइक और सब्सक्राइब करने बोलिए चैनल और इधर बहन वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स एंड फेवरेट स्टूडेंट्स ऑफ डॉन बॉस्को यूपी स्कूल लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए हाँ थैंक यू वेलकम थैंक यू बोलिए थैंक यू मैं ही थैंक यू बोलूंगी थैंक यू वेलकम।
अभी सिस्टर को अलविदा करते हैं, अभी सिस्टर को अलविदा करते हैं, चलते हैं सबको एक घर। हेलो मामा ने चलो ये बाय बाय, मिलता है जल्दी, सी यू, सी यू। अरे घुमा, अबे चलते, और अभी चलते हैं घर। ये है सिस्टर लोग जहाँ रहते हैं वो, और ये है अपर प्राइमरी, प्राइमरी गर्ल्स लोकन जहाँ 1 से 5 गर्ल्स लोकन पढ़ते हैं। रुक रुक, और ये है चर्च, एसटी आरसी चर्च। ये है प्लेग्राउंड, और ये है चर्च का बैक साइड जिधर हम लोग सुसु करने जाते थे, टॉयलेट, टॉयलेट करने जाते थे सुसु। और ये हमारे चर्च का बिहाइंड, हमारे चर्च का पीछे भाग। और यहाँ पर फादर के, ये जहाँ फादर लोग कहते हैं, फादर सोम, फादर सोम है ये। और यहाँ पर हम लोग पानी पीते थे, और यहाँ पर 2 हंस थे हमारे टाइम में जो हमें दौड़ाते थे, हंस, बड़े बड़े हंस। और यहाँ पर हम लोग उछल कूद करके खेला करते थे, यहाँ पर डांस होता था, यहाँ पर डांस के सारे प्रोग्राम होता था, यहाँ पर उछल वीडियो में। हाँ चलो चलते हैं, तो अभी घर चलते हैं, अभी आएंगे तो पूरा स्कूल दिखाएंगे। अबे ये तो दियो पेन के ऑफ है, मत इधर यहाँ एक पेन के देख रहे हैं, बंद है बे, बंद है। पात्री सर निकले, और ये है ग्राउंड जहाँ पर हम लोग खेलते थे, पूरा फ्लैट ग्राउंड हमारा। और ये है केजी स्कूल जो अभी तोड़ के बना वाला बंद है, और इधर ही केजी स्कूल से इधर आते थी बाहर। और ये था जंगल, उस टाइम बहुत ज्यादा ही जंगल था हम लोग के लिए, अमेजन जंगल था, अमेजन जंगल से कम नहीं था। ये कैंपस ही पूरा मस्त लगता था गाइस, अभी तो दुकान नहीं थी जहाँ वो खाई जाते थे। कहाँ जाते भाई को इंसान को देखा जा सकती है पीछे से थोड़ा भी। तो यही हमारा स्कूल, पूरा कैंपस। और अभी चलते हैं घर, और ब्लॉग को आज यहीं पर एंड करते हैं। तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर, बाय बाय गाइस। दबा पे कहा कुछ, लाइक सब्सक्राइब गाइस। आपको वीडियो अच्छा लगे या ना अच्छा लगे, लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अरे हमारे गुंडे भाई साहब कुछ बोलते नहीं है। कहाँ जाओ।